और इधर मैं जो कि थोड़ा सा पतला है और भी वगैरह वो जो जाता है मैं थोड़ा मोटा थिंकिंग और मैं कुछ लाइक है तो मैं चेक करना है तो बता आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड. आई एम थिंकिंग कि मैं ये वाला स्कार्फ लेकर जाऊँ या मैं ये वाला स्कार्फ लेकर जाऊँ. अगेन ट्रैवलिंग में स्कार्फ बहुत अच्छा एक स्पेयर में रखना ही चाहिए हमें, तो क्योंकि हम जा भी रहे हैं टू व्हीलर से, तो उसमें क्या होता है कि डस्ट और पोल्यूशन से, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कवर करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है. तो रीज़न आई एम कन्फ्यूज़ क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है, ब्रीद वगैरह करने में बहुत ईजी हो जाता है, बट ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा मोटा है. तो आई एम थिंकिंग बट ओवरऑल मुझे ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है जो मेरे सारे मोस्टली ड्रेसेस में जा सकता है. तो आई एम टेकिंग दिस फॉर नाउ एंड आई एम शोइंग यू बोथ. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा मुझे लेना चाहिए था, बट एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग दिस वन. ऑल राइट, सो स्कार्फ पार्ट इज़ डन. अब मैं कर लेती हूँ फटाफट मेकअप. ड्रेसिंग तो मैंने कर ली है, मेकअप करके मैं आपको फटाफट लुक दिखा देती हूँ अपना. गाइज आई एम रेडी एंड मुझे क्या लगता है पता है कि मेरा जो कैमरा है ना वो जस्टिस नहीं करता है, बिकॉज इन रियल द लुक इज लुकिंग रियली नाइस, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा डल सा लग रहा है. बट नो वरीज, आई एम जस्ट शोइंग यू द लुक. अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और कंप्लीट लुक दिखाती हूँ मैं आपको. लेकिन आप ये देख सकते हो मेरे कॉलर पे आपको कुछ नया दिख रहा होगा, दैट इज़ माई माइक. येस, जिस माइक की मैं बात करी थी वो मैंने फाइनली परचेस कर लिया है. तो फटाफट मैं सोच रही हूँ, मैं रेडी हुई हूँ तो क्यों ना मैं माइक का अनबॉक्सिंग कर देती हूँ, आपको फटाफट दिखा देती हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो येस, लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड. तो गाइस अभी बज रहे हैं 9:30. वी वर सपोज टू लीव एट 8:00 और बिफोर 8:00, बट इट्स टू लेट फॉर अस. तो हम लोग सोच रहे हैं कि इन नेक्स्ट 10 to 15 minutes वी शुड बी आउट. तो ये चीज़ मैं रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि वॉट इज़ दी क्वालिटी ऑफ दिस माइक और इसमें कैसे नॉइस कैंसलेशन होता है, क्या क्वालिटी आती है वेन यू स्पीक विद दिस माइक. और मेरी वीडियो में ऑफकोर्स आप चेंजेस देख सकते हो. अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे और ये वाली देखोगे तो आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चल जाएगा. तो इसी के साथ में गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ एवरीथिंग अबाउट द माइक दैट आई हैव बॉट, क्योंकि हम लास्ट टाइम नहीं ले पाए थे तो हमने अभी लिया है एंड आई फील कि दिस इज़ द बेस्ट डील दैट वी हैव बॉट. सो लेट्स क्विकली गो अहेड एंड सी द अनबॉक्सिंग. ऑलराइट गाइज, तो ये रहा हमारा माइक और माइक की मैं अगर बात करूँ तो ये K8 है, ठीक है, वायरलेस माइक्रोफोन है. और दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक. यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे से देख लोगे, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. ऐसा ही कुछ हमारा माइक होने वाला है, वायरलेस है कॉलर माइक. और उसके बाद एक जो है इसको आपको यहाँ पे ऐसे फिक्स करना है, ये आपके कॉलर पे आ जाएगा. सी ये रहा, एक आपको जो होगा जो अभी मैं आपको खोलकर दिखाऊंगी, एक आपको जहाँ पे आप चार्जर लगाते हो सेम एक डिवाइस वहाँ लगाना है, और एक आपका जो माइक हो जाएगा वो आप चाहे हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड करो, चाहे आप कॉलर पे भी उसको फिक्स कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे बना हुआ है. और टॉकिंग अबाउट, इसको आपको चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करने के भी लिए आपको चार्जर दिया हुआ है. और ये रही फाइनल हमारा द कम्प्लीट डिवाइस. तो ये रहा सबसे पहले, जैसे कि आपको आइकन से पता चल गया होगा कि ये चार्जर है, ये है अपना डिवाइस जो हमें लगाना है, फ़ोन में कनेक्ट करना है, और दिस इज़ आर माइक. तो लेट्स ओपन दिस. तो गाइस सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ माइक, ये रहा. इसमें ऊपर एक बटन मिलता है आपको, ये रहा जो आप कॉलर पे ऐसे फिक्स कर सकते हो, और इनफैक्ट जहाँ भी आपको फिक्स करना है वाइल रिकॉर्डिंग, आप इसको निकाल भी सकते हो और वापस लगा भी सकते हो. तो दिस इज डिटैचेबल एंड अटैचेबल. ऑल राइट, ये हो गया. नेक्स्ट जो मैं बता रही थी आपको कि आपको जो लगाना है फ़ोन में, वो ये वाला डिवाइस है. यहाँ पे भी आपको एक बटन मिल जाता है, और ये एक एक्स्ट्रा जो डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज मेरा जो फ़ोन है वो सी पिन वाला है, तो इसीलिए इसका आप देख रहे हो कनेक्टर सी पिन है. ये एक आईफोन का भी एक्स्ट्रा दिया है, तो इन केस कभी अगर मैं आईफोन लेती हूँ, होपफुली वो जल्दी दिन आए, नो वरीज, तो अगर मैं कभी भी लेती हूँ तो ये वाला डिवाइस मैं उसमें कनेक्ट करूँगी इंस्टेंट ऑफ दिस. ऑलराइट, क्योंकि ये आईफोन के लिए ही है, आईफोन के लिए, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, देख के पता चल गया होगा.
तो ये एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है एंड दिस इज जस्ट अ बेस जो उसके नीचे था। अब हम आते हैं चार्जर पे और मैं आपको दिखाती हूँ चार्जर। ये रहा, बहुत ब्यूटीफुली एक बॉक्स में छोटू सा दिया हुआ है। सो लेट्स जस्ट ओपन दिस। तो ये रहा इसका छोटा सा चार्जर जो हमें इसी के साथ में और आपको इसी के साथ में मिलेगा। अब ये सिंस सी पिन का ही चार्जर है क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो सी पिन ही सपोर्ट करता है, तो आप इसे अपने फ़ोन चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो प्रोवाइडेड आपका पिन सेम होना चाहिए। इफ़ इट इज़ एंड्रॉयड देन आपका चार्जर भी एंड्रॉयड का ही होगा ऑफकोर्स, तो उससे भी आप चार्ज कर सकते हो, यू हैव द ऑप्शन। उसके अलावा एक घंटे तक ही आपको इसको चार्ज करना है, ओवर चार्ज कभी नहीं करना है ताकि आप इसे लॉन्ग लास्टिंग यूज़ कर सको। तो आई एम थिंकिंग मैं इसी से ही 1 मिलियन करूँ, वैसे ज़्यादा हो गया ना। हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं ट्राई तो यही करूँगी गाइज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी आपको फ़र्क भी पता चल रहा होगा मेरे पहले वाले क्लिप में जो मैंने आपको दिखाया, और वो क्लिप मैं अभी भी ऐड कर रही हूँ उसमें जो कि मैंने माइक के साथ रिकॉर्ड किया था, और अभी जो मैं बात कर रही हूँ उसमें आपको फ़र्क बहुत दिख रहा होगा क्योंकि अब आपको बैकग्राउंड नॉइज़ और सारी चीज़ें सुनने में आ रही होंगी, बट वो उसमें और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इस। तो इसी के साथ में यहाँ पे अनबॉक्सिंग कंप्लीट होती है और चलिए हम आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है पूरे माइक के बारे में वो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आप भी एक यूट्यूबर है या इनफैक्ट आप यूट्यूबर नहीं भी हैं बट आपको एक माइक की ज़रूरत है तो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट बेस्ट माइक फॉर यू, क्योंकि मुझे भी पहली बार में नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा तब जाके मुझे ये माइक मिला। और येस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और हेल्पफुल लगी है एंड इफ यू हैव लाइक माई चैनल टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, शाउट आउट मिल जाएगा। तो सो फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड आई कीप कमिंग बैक विद सच मोर वीडियोज एंड अंटिल देन। ऑलराइट, लुक की बात करूँ गाइस तो मैंने वॉच पहनी है जो आपको दिख रहा है, बालों को मैंने जस्ट ऐसे टाइडली बन में किया है क्योंकि हमें अगेन एज आई टोल्ड यू हमें बाइक से जाना है तो बाल पूरे बिखर जाएंगे, इस पर हम स्कार्फ भी लेने वाले हैं। दिस इज व्हाट माय फाइनल लुक इज। वेरी कंफर्टेबल पैंट विच इज वेरी कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू सिटिंग ऑन बाइक एंड So here we are all set to leave and I'll show you rest of the things and I'll talk to you in my journey along. So let's get on a journey guys. बहुत बार ऐसे देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे लिखा होता है कोड, एक नया कोड मैंने भी देखा जो आपको दिखाती हूँ। तो ये जो लाल कलर की आपको दिख रही होगी टेम्पो, उसको क्या लिखा है, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, आपको शायद दिख रहा होगा ये रहा। तो अभी फिलहाल ये टेम्पो है और ये बड़ा होकर ट्रक बनेगा, फनी ना। ऑलराइट, ऐसे ही कोड्स वगैरह हम देखते रहेंगे अपने सफर में और मैं आपको दिखाते रहूँगी।